पता नहीं आज फॉर अ चेंज ना ऐसे खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितने फ्री है, कितना टाइम है यार, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे डोज बढ़ाना, नशेड़ी बन जाना फिर। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू माई चैनल। आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग ऑन नॉट सो गुड नोट बिकॉज माई थ्रोट, आई एम हैविंग थ्रोट इन्फेक्शन, अ वेरी सिवियर वन। थैंकफुली बाई गॉड्स ग्रेस एंड माई मदर्स एफर्ट्स आई एम एबल टू स्पीक अ लिटल। I have done gargles, taken medicine, sorry, syrup, and yeah, a lot of things are going on. I am consuming mulethi and I'm also chewing ginger katukda and honey and ginger, everything. I'm doing all the home remedies with medicines and everything. So right now I'm able to speak. It's 12:30 raat ke and आई एम मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ। मैंने बहुत टाइम से टी नहीं पी, मतलब पीनी छोड़ दी थी वो, तो मेरे थ्रोट की वजह से मुझे फिर जिंजर टी पीने का मन है, एकदम कड़क वाली, ज़्यादा जिंजर वाली जो थोड़ा सा गले में लगे, क्योंकि बहुत खांसी हो रही थी। और मतलब खांसी भी ऐसी वाली हो रही है ना कि मैं बेड से इतना इतना उछल रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इतना सीवियर चेस्ट पेन शुरू हो गया है मुझे कल से, बहुत सीवियर चेस्ट पेन है, और चेस्ट की बैंड तो मेरी कोविड में बजी चुकी है। इट्स लाइक आधा नहीं लेकिन काफ़ी चेस्ट तो डैमेज है ही है, और उसमें फिर इतना ज़्यादा खांसी हो रही है कि चेस्ट में बहुत एक्सट्रीम पेन है। बट ठीक है, चलता रहता है, ये तो लाइफ है, वी हैव टू डील विद ऑल द थिंग्स। अभी चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी, सोऊँगी, फिर आपसे कल मिलती हूँ। और चाय वही नॉर्मल कड़क वाली, अदरक वाली, और फिर मूड मेरा थोड़ा सा ऐसे, कोई कोई दिन होते हैं जो मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट दे, और तब मुझे कोई नहीं दिखता है। मेरी मदर होती हैं पर उनसे वो मैं चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती, घर में तो ऑब्वियसली क्या ही किसी से करना है, एंड जिससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो वो दूर दूर तक लोग गायब हो जाते हैं, या उसी टाइम पर उनके भी बहुत मेजर मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो अपने साथ साथ मुझे उनके मूड्स से भी टैकल उसी टाइम पे करना पड़ता है। चाय बॉयल हो रही है, जब मैंने इसमें मिल्क डाल के एक बॉयल आ गया तब इसमें मैंने जिंजर ग्रेट की, अब ये थोड़ी बॉयल होने दूंगी क्योंकि चाय जितना बॉयल होती है उतना ही टेस्ट इसमें आता है। A few inches later. The next day. गुड मॉर्निंग, मैं 9:30 उठ गई थी, पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं, पूरी रात। एक बहुत छोटी सी कफिंग की क्लिप है, 3-3-10 की, जो मैंने पीछे ऐड की है, वो देखी भी होगी शायद आपने, वो तो बहुत छोटी सी है, उसका पूरी रात उतनी ही इंटेंसिटी से नॉन स्टॉप कफिंग हुई है, पूरा चेस्ट पेन है, पूरी बैकबोन में बहुत दर्द है, और फीवर वगैरह थैंकफुली अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी वीकनेस लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, ऐसी ही वीकनेस लग रही है ऐसे फीवर में लगती है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही है मेरी, मैं फुल ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ। मैंने मम्मी नानी के साथ डॉक्टर के गए हैं, मैंने हिम्मत करके एक झाड़ू तो निकाल दिया घर में से, वो तो मना कर रही थी, कहती तू लेट ही रही हो, आराम से सोई हो, मैं आती हूँ। मैंने कहा बाद में भी करना है, तो एक झाड़ू निकाल दिया। अब थोड़ी सी हिम्मत गैदर करूँगी, नहाने जाऊँगी कुछ और टाइम में, 11 बजने वाले हैं, फिर देखते हैं, तब तक मदर भी आ जाएंगी, रेस्ट मोड में ही रहेगा आज भी सारा दिन, कुछ खास नहीं होने वाला, करती हूँ फिर आगे बाद बाद में, थोड़ा सा शायद तब तक एक आध राउंड चाय पीऊँगी और कुछ कुछ खाऊँगी, मुलेठी अभी भी मेरे मुँह में है तो थोड़ा गला और खुलेगा, आवाज़ निकलेगी, मिलते हैं फिर दोबारा। बढ़िया, डॉक्टर के ही तो जाना था। पांच मिनट में।
खुद तो पिया है, चाय मेरे लिए बनाई भी नहीं। मैं वेट कर रही थी कि तुम आओगी तो चाय पियेंगे, खुद ऊपर ऊपर से ही पिया है। Later that same evening. Instagram पे रील्स बनाई हैं, दो तीन रील्स बनाई हैं, पुरानी भी हैं, जाओ चेक करो, जाके फटाफट से Instagram पे चेक करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अब मम्मी का ऑर्डर आया है कि उठ जा, मैं काम कर रही हूँ, तू चाय बना। तो मामा भी हैं और मम्मी भी हैं, तो सबके लिए चाय बनेगी मस्त कड़क अदरक वाली। मम्मी की पहले स्टेन हो जाएगी कि वो अदरक की चाय प्रेफर नहीं करती हैं, मैं मामा अदरक की चाय पियेंगे मस्त कड़क वाली। थोड़े से एक्ने हो गए हैं क्योंकि गले की वजह से सब कुछ गरम गरम कंज्यूम कर रही हूँ ना, तो इसीलिए ठीक है, चलता रहता है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम। चलो चाय बनाते। पता नहीं आज फॉर अ चेंज ना ऐसे खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितने फ्री है, कितना टाइम है यार, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है। कल तक मेरा मूड बहुत ऑफ था, मैं उठी सुबह, मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, गुरु जी को ध्यान किया, तो और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें आज उन्होंने मुझसे की हैं, उन्होंने बताया, तो मुझे तसल्ली बहुत है कि वो मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो उसके बाद से तो मैं एकदम मस्त हूँ, मैं भाड़ में जाए दुनियादारी, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कितना टाइम है मेरे पास यार, मैं कितनी फ्री हूँ, और कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं फिलहाल तक, तो आई एम जस्ट इन्जॉइंग। फिर ब्लॉग भी बन रहा है, आप लोगों से ये बातें हो रही हैं। ये मेरा चाय के साथ का फेवरेट 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 कॉम्बो है, ब्रेड लो ऐसे जैसे टोस्ट नहीं करना, ये वाली है तंदूरी मेयो और ये वाली है वीबा की साउथ वेस्ट। हाँ, दोनों सॉसेस लगाई, इसके बाद ये बटर नहीं था, नहीं तो मैं बटर प्रेफर करती हूँ, तो ये चीज़ स्लाइस रखा हुआ था, एक चीज़ स्लाइस लगाएंगे दोनों ब्रेड्स के बीच में एंड गर्मा गर्म चाय से खाएंगे। मामा थोड़ी सी देना दवाई, नींद भी आती है ना फिर, और इसका टेस्ट तो बहुत ही बुरा है। गर्म पानी में दे रहे हो क्या? से देना कि एक बार में गटक जाऊं। वो तो एक ही ढक्कन है। अच्छा, मतलब पानी ज्यादा कर दिया तो कड़वी नहीं लगेगी, ये लॉजिक दे रहे हो आप? कड़वी कम लगेगी। अच्छा, लगेगी तो जरूर लगेगी, दारू का पानी ज्यादा डाल के पीते हैं तो कड़वी तो लगती है, लेकिन कम कड़वी लगती है। वो ही लेके आनी चाहिए थी ना, उससे जल्दी ठीक होता। उससे गला कहीं जा नहीं रहा हूँ, रम ले आऊँ कल सुबह, जिससे गला ठीक हो। एक पोवो ले आऊँ जिससे गला ठीक हो, और इतनी इतनी पीना बस, दवा बताओ। वाह, नहीं ठीक है वो, धीरे धीरे डोज बढ़ाना, धीरे धीरे डोज बढ़ाना, नशेड़ी बन जाना फिर। सही बात है, अपना काम चलाना है तो मेरे पे ब्लेम तो डालोगे। सही बात है, ठीक है ठीक है। गुरु जी प्लीज, जय गुरु जी। अब नींद आएगी, ये कफ सिरप पीने का यही तो नुकसान है, नींद आती है। मैं कह रही हूँ ये कफ सिरप पीने का नुकसान भी तो यही है, नींद आती है। हाँ ये बात भी सही है। 8:01 PM एंड ये फाइनली मैं, जिनके यहाँ गणपति थे उन्होंने मुझे बुला ही लिया था कॉल करके कि जैसे भी हो दो मिनट के लिए आओ, प्रसाद खा के जाओ, तो मैं गणपति दर्शन के लिए गई थी, तो आप लोग भी कर लीजिए। इन्हीं के घर हुई थी शहद वर्षा, साहिबाबाद अमृत वर्षा, शहद वर्षा इन्हीं आंटी के घर हुई थी। सुबह सुबह चलना पड़ेगा, जल्दी ना जाएंगे, नहीं कराएंगे।